हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आशियोडो पार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडी डॉन के स्पीडोमीटर के बारे में। आज हमारे पास है सीडी डॉन की स्पीडोमीटर असेंबली, और आज की इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कैसा क्या हमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और अगर आपको किसी बाइक के स्पेयर पार्ट्स लेना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके स्पेयर पार्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ इस टाइप का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है सनराइज कंपनी के स्पीडोमीटर का। आज हमारे पास ये सीडी डॉन बाइक का सामने की तरफ हमें टिपिकल व्हाइट और ब्लू कलर में बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस साइड से बात करें, यहाँ पर सनराइज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई हैं कि जो सनराइज कंपनी है वो किन किन प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि स्पीडोमीटर्स है, मूवमेंट्स हैं, फ्यूल गेज, आरपीएम मीटर, डिजिटल मीटर और भी, यानी कि हमें टोटल स्पीडोमीटर के अंदर ये कंपनी डील करती है और बनाती है। यहाँ पर सनराइज की आपको जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सनराइज का एक क्यूआर कोड है। इस साइड से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सनराइज स्पीडोमीटर ही लिखा देखने को मिलेगा। बैक साइड में सनराइज की ब्रांडिंग और नीचे इसका फुल एड्रेस है, और बाकी बॉक्स पे दिखाने को कुछ भी नहीं है। आइए अब इसके बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये ऊपर से ओपन होता है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके आपको अंदर से स्पीडोमीटर निकाल के दिखाता हूँ किस टाइप का देखने को मिलता है। तो ये हमारा मेन स्पीडोमीटर जो हमें टिपिकल सीडी डॉन का देखने को मिलता है, सेम उसी टाइप का, पूरा ब्लैक कलर का। ये आपको मैं पास से दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल मस्त क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। और जो इसका मेन डायल है ये हमें ब्लैक और ग्रे कलर के अंदर देखने को मिलता है। 140 तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इधर किलोमीटर आर लिखा हुआ है। सनराइज की ब्रांडिंग नीचे देखने को मिलती है। ये इसका दोस्तों हमारा किलोमीटर वाला मीटर, जिससे कि आप जितने भी किलोमीटर रन करते हैं वो यहाँ पे शो करता है। और ये है इसका मेन, जो मेन सुई जैसे हम बोलते हैं वो, और हमें इसमें सिंगल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। दोस्तों इसके राइट हैंड साइड वाले डायल की बात करें तो यहाँ पर कोई डायल हमें देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर एक न्यूट्रल का आपको इंडिकेशन लाइट देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में हेडलाइट ऑन ऑफ का देखने को मिलता है। सेंटर में फॉर सीडी डॉन लिखा देखने को मिल जाएगा कि ये सीडी डॉन के लिए है। बाकी यहाँ पर एक दोस्तों पार्किंग बल्ब लगा होता है, उसकी लाइट जलती है। यहाँ पर और कोई इंडिकेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड के इंडिकेटर के इंडिकेशन वाले जो बल्ब हैं वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पर हमें ऑन ऑफ लिखा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इग्निशन लिखा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो इसके अंदर है हमें इग्निशन स्विच फिट होता है, जो ये ओल्ड मॉडल की सीडी डॉन है इसमें। और बाकी दोस्तों फ्रंट में कुछ नहीं है। बैक साइड से बात करें तो यहाँ पर हमें ये 3 स्टड्स देखने को मिलते हैं। स्टड इनकी मदद से जो स्पीडोमीटर है वो कसा हुआ होता है, मतलब बाइक में फिट होने में ये 3 इनका ही यूज़ आता है। इनके अंदर दोस्तों जो बोल्ट हैं उनको कस दिया जाता है और उनकी मदद से ये फिट हो जाती है। बाकी यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है, इसे हटाएं तो यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों मेन स्पीडोमीटर केबल लगती है, जो जाके हमारे व्हील में कनेक्ट होती है, जिससे जो आगे का मेन हमारा मीटर है वो रन होता है, वो इसी की वजह से होता है। और बाकी ये है मेन स्पीडोमीटर की वायरिंग जो सीडी डॉन के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें एक हमें ग्रीन कलर के 2 वायर्स देखने को मिलेंगे, 2 ब्लू, एक ऑरेंज, एक ब्राउन। इसके बाद एक ब्लैक वायर भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। टोटल इसके अंदर हमें 2, 2, 4, 2, 6, 7 वायर हमें इसके अंदर टोटल देखने को मिलेंगे। कोई सा भी एक एडिशनल कपलर हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके स्क्रूज दिए गए हैं। अगर फ्यूचर में आपको इसे ओपन करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे 2 स्क्रूज हैं, एक स्क्रू ऊपर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों यही था सीडी डॉन का स्पीडोमीटर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और दोस्तों किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स अगर आपको परचेस करना हो तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, उन पर कॉल करके स्पेयर पार्ट्स आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।